ये दो पानी से अच्छा से पपीता धो लेते हैं। पपीता का भुजन एकदम कद्दू की भुजिया तरह लगता है। चलिए तब तक आप लोग बैठिए जब तक हम खाते हैं। हाय फ्रेंड्स, अभी टाइम शाम के 6 बज रही है और अभी हम अपना पसंद के जा रहे हैं बनाने पपीता की भुजिया, जो कि हमें बहुत ज्यादा पसंद है। आकृति के पापा को बहुत ज्यादा पसंद है। चलिए अभी पपीता की भुजिया कैसे बनाते हैं, आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रही और देखिए कि भुजिया कैसे बनता है। बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। अगर हमारा आधा केजी पपीता है तो इसको बढ़िया से छीलेंगे। अगर मेरी कृषि सो गई है, दिन में एक बार भी नहीं सोई थी, मार्केट घूमने गई थी, मार्केट घूमने के चक्कर में इसको नींद भी नहीं लगता था। तो देखिए पपीता को अच्छा से छील लिए हैं, इसको खखोर लिए बढ़िया, पपीता में डाल दिए पानी। तो चलिए दो पानी से अच्छा से पपीता धो लेते हैं, उसके बाद काट लेते हैं। तो फाइनली इधर हम पपीता को अच्छा से मई काट लिए। चलिए तो अब चलते हैं गैस के पास। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा पंखा चल रहा है, एक्स्ट्रा आवाज आ रहा होगा इसके लिए सॉरी। बाबू सो रही है, इसी वजह से पंखा चला के काम कर रहे हैं। गैस के पास आ गए, इधर कढ़ाई में अभी चूरा फ्राई किए हैं। कीर्ति कृषि खा रही है तो इसी में तेल डालेंगे। तो देखिए इधर कृषि खा रही है और इधर कीर्ति ले ले, ठीक से ले जाओ गिर जाएगा। तो तेल हो गया है गरम, इसमें डाल देते हैं जीरा, हम डाल देते हैं लाल मिर्ची, मिर्ची भी जल गया है, डाल देते हैं पपीता। चलिए पपीता को हम फ्राई करते हैं। पपीता को हमें झाप झाप के फ्राई करना है, दो दो मिनट पर उबाल उबाल के देखते रहना है। और इधर हमारा दूध भी अच्छा से उबला गया है। सुबह में हम उबाले थे अलुआ, जो कि सारा खत्म हो गया, एक बचा हुआ। तो चलिए अभी हम दूध और अलुआ खाएंगे। सबसे पहले तो इधर हम अलुआ को छील लिए हैं, अब इसको मेही करेंगे, उसके बाद इसमें दूध डालेंगे, उसके बाद चीनी डालेंगे, उसके बाद हम खा लेंगे। चलिए तो फटाफट से खा के उसके बाद भुजिया देखने जाएंगे। देखिए इधर भुजिया 2 मिनट के बाद उभार के देखे हैं तो कुछ ऐसा कलर आ गया है भुजिया में। तो अब हम भुजिया में नमक डाल देते हैं ताकि इसमें से पानी छोड़े और अच्छा से पपीता सीजे। इसलिए नमक भी डाल दिए हैं। अब इसको हम फिर से झाँप देते हैं मिला करके। पपीता का भुजिया एकदम कद्दू की भुजिया तरह लगता है। तो इधर हम झटपट में आटा भी सान लिए हैं और देख लेते हैं भुजिया अभी तक हुआ है या नहीं। अभी भुजिया नहीं हुआ है, पानी छोड़ दिया है। अगर पानी ना छोड़े तो आप लोग ऊपर से ही पानी डाल सकते हैं। थोड़ा देर और सीझेगा, उसके बाद भुजिया हमारा रेडी हो जाएगा। चलिए जब तक भुजिया होगा तब तक फटाफट से हम रोटी बना लेते हैं। फाइनली हमारा फेवरेट पपीता का भुजिया बन के हो गया है रेडी, देख सकते हैं अच्छा से सीझ गया है। तो चलिए गैस को बंद कर देते हैं हम और उसके बाद थोड़ा सा चेक करते हैं कि कैसा बना हमारा। फर्स्ट टाइम बनाऊँ पपीता के भुजिया। फाइनली इधर रोटी भी बना के रेडी कर लिए, जो हम ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, चेक करेंगे डायरेक्ट। फाइनली फ्रेंड्स, इधर हम चेक करने के लिए भुजिया थोड़ा सा ही भुजिया निकालें क्योंकि पपीता का भुजिया मुझे ज़्यादा नहीं खाना है, और 2 रोटी निकाले। चलिए तो चेक करके बताते हैं कि हमारा पपीता का भुजिया फाइनली में कैसा बना है। तो चलिए तब तक आप लोग बैठ गए जब तक हम खाते हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स, खा के एकदम मस्त हो गया भुजिया रोटी। वीडियो कैसा लगा आप लोग को कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के लिए। गुड नाइट, मैं जा रही हूं सोने।